एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गार्डनिंग जोन। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रोपोगेट स्नैक प्लांट। मेनली इसके अंदर स्नैक प्लांट के प्रोपोगेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो ये वाला प्लांट जो आप लोग देख रहे हैं, यही है स्नैक प्लांट। और पहले इसके प्रोपोगेशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद में मेनली इसके प्रोपोगेशन पर ही हम लोग वर्क करेंगे। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये वाला प्लांट जो मेनली एयर प्यूरिफिकेशन के लिए जाना जाता है, और एयर प्यूरिफायर प्लांट इसको बोला जाता है, मतलब कि एयर प्यूरिफायर प्लांट्स की लिस्ट में ये वाला प्लांट शामिल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाला प्लांट अपने आसपास के वातावरण के अंदर जितने भी टॉक्सिक गैसेज होती है तो उनको अब्सॉर्ब कर लेता है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है फैलाता रहता है, छोड़ता है ऑक्सीजन, मतलब अगर सीधी लैंग्वेज में बोले हम लोग, और डे और नाइट दोनों टाइम में ये हमारा प्लांट ऑक्सीजन देता है, और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए ये वाला प्लांट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए भी। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बात खुद नासा के द्वारा प्रूव्ड है, और अगर आप लोग चेक करना चाहें तो नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और देख सकते हैं इसके बारे में। उसके अलावा ये प्लांट दिखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी पत्तियों में वेरिएशन है, बीच में से ग्रीन, जिसके अंदर डार्क ग्रीन कलर की इसके अंदर इस तरह से धारियाँ हैं, और साइड के अंदर जो है ये थोड़ा लाइटिश येलो कलर है जो कि इसकी पत्तियों में वेरिएशन दे रहा है और इसको और ज़्यादा सुंदर बना रहा है। इसके अलावा इसकी और भी वेराइटीज़ है, जिसमें से मेरे पास में और एक है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अगर लोकेशन की बात करें अगर इस प्लांट में, तो ये मेनली इंडोर प्लांट है। जी हाँ, इस प्लांट को आप लोग घर के अंदर रख सकते हैं, अपने रूम के अंदर रख सकते हैं आप लोग, पर आप लोग इसको ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पे इसको मतलब कि डायरेक्टली ऐसे धूप ना मिले पर मतलब रोशनी आती हो, ऐसी जगह भी रख सकते हैं। पर मेरा वाला ये प्लांट एक्चुअल में ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर धूप आती है, ये देखिए, तो यहाँ से धूप इसको डायरेक्टली मिलती रहती है। और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये वाला प्लांट जल गया या फिर कोई भी इसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर इससे रिलेटेड एक और बात है, वो ये है कि आप इसकी लोकेशन चेंज मत कीजिए बार बार, जहाँ पे ये रखा हुआ है वहीं पे रहने दीजिए। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊँगा आप लोगों को, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में। और अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मेरे इस चैनल से मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आगे हम लोग अब बात करते हैं इसके वाटरिंग के ऊपर। तो इसको इतना ज़्यादा कोई वाटर नहीं चाहिए, आप लोग इसको वाटर दीजिए तब जब इसकी मिट्टी एकदम से सूखने लग जाए, तब इसको पानी दीजिए। क्योंकि इतना भी ज़्यादा अगर आप लोग इसको ज़्यादा पानी देंगे तो फिर वही बात है कि इसकी जड़ें ख़राब होना शुरू हो जाएगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसको इतना पानी चाहिए कि अगर इसकी ये जो देख रहे हैं मिट्टी, ये ऊपर से अगर सूखने लग जाए तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब इसको पानी की ज़रूरत है, तो उसी टाइम आप इसको पानी दीजिए। मैन्योर का अगर आप लोग पूछेंगे इसके अंदर, खाद के बारे में अगर आप लोग इसमें पूछेंगे, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। खाद का वही रहता है कि आप लोग इसके अंदर इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं आप लोग, इसके अंदर आप लोग गोबर की खाद भी दे सकते हैं, और जो भी मतलब किचन कंपोस्ट हो गया या फिर बनाना पील हो गया, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। तो जो मैन्योर वाला सिस्टम रहता है वो ऑलमोस्ट सभी प्लांट के अंदर सेम रहता है। मैन्योर्स मेनली वर्क कैसे करते हैं और इनके अंदर न्यूट्रिशन रेशियो कितना होता है, कौन से मैन्योर में कितना होता है, और भी बहुत सारी बातें मैन्योर से रिलेटेड, तो उन सब के ऊपर भी मैं आगे डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी इसी प्लांट के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि था मेनली इसका प्रोपोगेशन। हालांकि मैंने स्नैक प्लांट के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है, पर अभी मैंने सोचा कि अगर प्रोपोगेशन पे मैं बना रहा हूँ तो फिर साथ में ये चीज़ें भी ऐड कर देता हूँ दोबारा से। पर अब हम लोग जानते हैं कि इसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। तो इसका प्रोपोगेशन का जो मेनली पहला मैं बताता हूँ आप लोगों को तरीका, तो वो ये है कि इसके अंदर जैसे कि ये वाला प्लांट है, तो ये इसका मदर प्लांट है, ये वाला पूरा बीच में से ये पूरा इसका मदर प्लांट है जो कि सबसे बड़ा है। ये देखिए ऊपर तक
इसी की पत्तियां जा रही है। तो इसमें मेनली प्रोपगेशन ये इस तरह से होता है कि इसके साइड में से इसके और भी प्लांट्स निकल जाते हैं। ये देखिए, ये वाला प्लांट, ये वाला, तीन, चार और एक ये इधर पांच। तो ये इस तरह से प्लांट निकलते हैं इसमें से। इनको आप लोग चाहे तो अलग करके अलग पॉट में लगा सकते हैं। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ें साथ में आए तो ये इजी रहेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मतलब कि ये जब रीग्रो होना स्टार्ट होगा तो फिर इसको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा ये खुद की रूट्स वापस से बनाए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये वाले प्लांट्स जो भी लगे हुए, इन सभी प्लांट्स को मैं चाहूँ तो अलग करके अलग पॉट में लगा सकता हूँ, पर मैं चाहता नहीं। मैं पहले चाहता हूँ कि ये वाला पॉट पूरा का पूरा भर जाए अच्छे से, ताकि ये देखिए और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाए। अब इसका दूसरा तरीका क्या है प्रोपगेशन का, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बताता हूँ आप लोगों को, और साथ ही में इसका दूसरा टाइप प्लांट का जो मेरे पास में है वो भी दिखाता हूँ। और लोकेशन से रिलेटेड मैंने बोला था कि एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ था, वो मैं आगे बताऊँगा, तो वो वाला भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले चलते हैं उन प्लांट्स की तरफ। तो ये वाले प्लांट्स हैं कुछ स्नेक प्लांट जो कि मैंने रूम में रख के रखे हैं। तो इनमें से हालत किन की सही है, एक ये वाला प्लांट जो कि उसी प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है, और एक ये वाला प्लांट ये एकदम से सही है, और एक ये वाला प्लांट ये भी एकदम से सही है। तो अब देखिए हालत किन की ख़राब है, ये वाले दो हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो इन प्लांट्स को मैंने काफ़ी टाइम से अंदर ही रख के रखा था, इन सभी प्लांट्स को रख के रखा था। तो एक दिन मैंने कुछ ही दिन पहले, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन हो गए, मैंने इनको बाहर रखा कि ताकि जब बारिश आए तो बारिश से इनको भी थोड़ा बहुत बारिश का पानी मिले और ये और भी ज़्यादा अच्छे दिखने लग जाए और अच्छी इनकी ग्रोथ हो। तो हुआ ये कि बारिश आई नहीं और ये प्लांट एक दिन धूप में पड़े रहे। तो एक दिन धूप में रखने के कारण उसका इन पर ये इफ़ेक्ट हुआ कि ये जलना शुरू हो गए प्लांट। देखिए इनकी पत्तियाँ जो है बर्न होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ये वाले दो प्लांट ऑलमोस्ट पूरे के पूरे फिनिश हो गए हैं। तो अभी मेरे पास ये वाला प्लांट है, तो इसके ऊपर मैं ये वाला प्रोपगेशन का दूसरा मेथड आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि सेकंड टाइप से आप लोग कैसे इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इस प्लांट को बाहर ही निकाल लेता हूँ पूरा का पूरा, इसको पूरा रूट सहित बाहर निकाल लेता हूँ मैं इसको। ये देखिए यहाँ से ये खराब हो चुका है। अब आप लोग इसकी हर एक लीफ से एक नया प्लांट लगा सकते हैं। तो कैसे करना है, पहले आप लोग इसके इस खराब हुए पार्ट को काट लीजिए। अब मेरे पास में इसकी टोटल पांच पत्तियां हैं, तो इन पांचों को मैं लगा के दिखाता हूँ कि कैसे इनका प्रोपगेशन करना है। अब इन सभी लीव्स को इसके अंदर लगाना है, पॉट के अंदर। पॉट में लगाते टाइम सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ये है कि ये जो लीफ का ऊपर वाला पार्ट है ये ऊपर रहे और ये नीचे वाला पार्ट नीचे की साइड रहे, तभी ये रीग्रो होना स्टार्ट होगा। तो फाइनली ये वाली सारी तो सक्सेसफुली लग चुकी है। अब मेरे पास में सिर्फ ये एक पत्ती, एक लीफ और बची है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक तीसरा मेथड और बताने जा रहा हूँ कि और किस तरह से आप लोग, अगर आप लोगों को और ज़्यादा प्लांट चाहिए तो कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं आप लोग। आप लोग चाहे तो एक ही पत्ती के और भी ज़्यादा कई पीसेस करके, इनके टुकड़े करके भी लगा सकते हैं। तो इस वाली लीव के मैं दो टुकड़े कर लेता हूँ। अगेन हम लोगों को ध्यान सिर्फ एक बात रखनी है कि ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहे और नीचे वाला पार्ट नीचे की साइड रहे। तो ये वाला पॉट तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो दूसरे वाले पॉट के अंदर इनको लगाते हैं। तो फाइनली सारे के सारे प्लांट लग चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्नेक प्लांट को प्रोपगेट कैसे करना है इसके तीन मेथड बताए हैं, और तीनों मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तीनों मेथड से आप लोग स्नेक प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं। अब मेन बात ये कि ये रीग्रो होना कब स्टार्ट होंगे, मतलब कि कब आप लोगों को लगेगा कि हाँ मेरा प्लांट लग चुका है, तो इसके ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इसके रूट बनना स्टार्ट होती है, और ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर जो है इसके अंदर नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो होता यह है कि इन लीव्स के पास में से जो है इनके शूट्स निकलना स्टार्ट होते हैं और नए प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ कि मेरा प्लांट बन चुका है, क्योंकि ये वाला तो अब ग्रो कर नहीं सकता ऊपर, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसकी रूट्स बनेंगी। और जब भी स्नेक प्लांट प्रोपगेशन करता है मेनली, तो उसमें यही होता है कि उसकी रूट जो है ऐसे सीधी चलती है, ऐसे एकदम से सीधी चलती है, और उसमें से ऐसे ऊपर से ऐसे प्लांट्स निकलते रहते हैं, ऐसे जैसे कि एक लाइन के अंदर चलती है इसकी रूट और एक लाइन के अंदर इसके से प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो उसी तरह से इसके अंदर प्रोपगेशन होगा, इसके अंदर रूट बनेगी और रूट में से नए प्लांट्स निकलना स्टार्ट होंगे। तो द मेन थिंग इज़ कि आप लोगों के ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर ये प्लांट्स निकलेंगे। सो होपफुली आप लोगों को स्नेक प्लांट के प्रोपगेशन से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि मैंने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी साथ में ऐड कर दी थी, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताई, जो कि एक्सपेरिमेंट मैंने किए थे, कि जो यही है कि लोकेशन चेंज नहीं करनी है, ये सब बातें जो कि मैंने की आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि आपका प्लांट वरना डेड हो जाएगा, और भी बहुत सारी बातें मैंने बताई है आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच आप लोगों ने ये वीडियो देखा, और यहाँ तक अगर देख लिया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए मुझे कि ये वाली वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो कौन से प्लांट पे आप लोगों को चाहिए। सो थैंक्स अगेन एंड हैप्पी ग्रीनरी।